सभी को आपके अपने YouTube चैनल भक्ति में शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको माता रानी के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना, पूजा विधि, माता की कथा सभी इस वीडियो में बताऊंगी। तो हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहे, और जो भी नए दर्शक जुड़े हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके माता के 9 दिनों की पूजा अर्चना और माता की कथा इत्यादि ना छूटे। तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं और बताती हूँ कि आज माता रानी की पूजा कैसे करें। नवरात्रि में हर दिन माँ के अलग स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। आज चैत नवरात्रि का दूसरा दिन यानी कि ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना का दिन है। माँ का यह रूप भक्तों को मनचाहे वरदान का आशीर्वाद देता है। माँ के नाम का पहला अक्षर ब्रह्मा होता है, जिसका मतलब होता है तपस्या, और चारणी का मतलब होता है आचरण करना। मानता है कि इनकी पूजा करने से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। तो जानिए माता के दूसरे दिन की पूजा विधि, कर्त, व्रत, कथा, आरती, आरती, मंत्र, मुहूर्त, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बनाऊंगी। तो हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ माता रानी की पूजा कैसे करें। सबसे पहले सुबह नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन लें। अब ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए उनके चित्र या मूर्ति के स्थान पर स्थापित करें। हाथ में फूल लेकर ब्रह्मचारिणी देवी का ध्यान करें और इन मंत्रों का जप करें। ध्यान करांग पदांग भ्यांग माला कमल कंड देवी प्रसिदूत मई ब्रह्मचारिणुत। माता के चित्र या मूर्ति पर फूल चढ़ाएं और नवेद अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी और मिश्री पसंद है, इसलिए उन्हें चीनी और मिश्री का पंचामृत भोग लगाएं। माता को दूध से बने व्यंजन भी अति प्रिय हैं, उन्हें दूध से बने व्यंजन का भोग अवश्य लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा बताती हूँ अब मैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था, और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर के पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक का निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई 1000 वर्ष तक निर्जल और निरंहार कर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अर्पणा नाम भी पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम छिन्न हो गया। देवता, ऋषि, गण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहनीय की, और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। आप यह संभव सभी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़ घर लौट जाओ, जल्दी से आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित होना नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। मैं माता के रूप के बारे में बताऊँ तो माता ब्रह्मचारिणी एक उजले कलर का वस्त्र धारण किए। माँ ब्रह्मचारिणी के हाथ में माला और बाएं हाथ में कमल कंड है। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज पुत्री बनकर जन्म लिया था और 100 वर्षों के कठिन तपस्या से महादेव को प्राप्त किया था। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्तों के अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से व्यक्ति संकट से घबराता नहीं बल्कि उनके डट का सामना करता है। इस प्रकार से माता की पूजा विधि, उनके भोग और माता के पूजा करने से हमें, ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है, माता की जन्म की कथा इत्यादि मैंने बताई हैं। इस प्रकार से आप करें पूजा और इसके बाद माता रानी की आरती करें।
और इसके बाद आप सभी मिलकर माता रानी की आरती करें और फिर शाम को भी माता रानी की आरती करें। तो इस प्रकार से दूसरे दिन की माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कथा विधि थी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी।